वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सीसीटीवी मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन को लेके। प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से चाइनीज सीसीटीवी जो यूसेज है, मतलब हम लोग जो कैमरा इंस्टॉल करते हैं हम लोग के ऑफिस में, हम लोग के घर में या फिर डिफरेंट लोकेशन में, अगर आप एयरपोर्ट में जाइए, अगर आप रेलवे स्टेशन में जाइए, अगर आप कोई भी पब्लिक एरिया में जाते हैं, तो अभी हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोगों के आसपास में बहुत सारा कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो कैमरा है ये मेनली जो मैन्युफैक्चर करता है वो है चाइना। तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से यही सीसीटीवी जो यूसेज है, चाइनीज सीसीटीवी का जो यूसेज है, उन पर एक लिमिट डाल दिया है। मतलब आप अगर चाहे भी तो आप अपने तरफ से ये चाइनीज सीसीटीवी हर जगह इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी जो डिवाइस हम लोग इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, हम लोग को जो सीसीटीवी को देखने को मिलता है, उनमें से ज़्यादातर जो है वो चाइनीज मेकर है या फिर वो चाइना में बनता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो इस्तेमाल हो रहा है इतना चाइनीज सीसीटीवी का, ये इतना यूसेज हो नहीं सकता। आगे जाके ये जो सीसीटीवी है ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, साथ ही साथ ये सीसीटीवी बनने में जो स्पेयर पार्ट्स लगते वो स्पेयर पार्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। एग्जैक्टली क्या इशू है, पूरा क्या किस लिए किया गया है, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ऑन द अदर साइड इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं सीसीटीवी का जो हिस्ट्री है वो। जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वॉल्टर ब्रुच ने ये क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब सीसीटीवी को इन्वेंट किया था। उसके बाद 1949 में यही क्लोज सर्किट टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू हुआ कमर्शियली। और अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर टू में देखें तो हम लोग को पता चलता है जो V2 रॉकेट्स था उन लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए यही सीसीटीवी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। और अभी अगर देखें तो ये जो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस हो गया है। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो जो कैमराज यूज़ होते थे वो बहुत बड़ा कैमरा होता था, ऑन द अदर साइड उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ वायर लगता था। और अभी हम लोग देखें तो ऐसा भी सीसीटीवी मिल रहा है जिसमें जो वाईफाई में भी काम करता है, जैसे कि हम लोग का घर में जो इंस्टॉल होता है, साथ ही साथ उसमें जो पावर बैकअप है कभी कभार देखने को मिलता है, ये पावर बैकअप भी वो लोग सोलर पावर बैकअप लेता है जो आउटसाइड में यूज़ होता है। तो नो डाउट ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी डेवलप्ड हो गया है। और प्रेजेंटली जो सीसीटीवी इंडिया में यूज़ हो रहा है उनमें तीन कंपनी सबसे आगे है। एक है आपका CP+ जो इंडिया का कंपनी है, दूसरा आपका है हिकविजन जो कि चाइनीज़ कंपनी है, और तीसरा जो है वो है दावा, ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है। टोटल जो सीसीटीवी बेचा जाता है इंडिया में उनमें से 60% जो मार्केट है ये तीनों कंपनी मिलकर पकड़ के रखा है। और अगर हम लोग डिटेल्स में चेक करें तो हम लोग को पता चलता है इसमें CP+ जो है ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी है, बाकी जो जो कंपनी है जो है हिकविजन और दावा ये दोनों ही चाइनीज़ कंपनी है। और 2022 में US फेडरल कमीशन हिकविजन और दावा को US में कम्प्लीटली बैन कर दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना था आगे जाके ये जो कंपनी है ये US के ऊपर डिफरेंट टाइम में मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करेगा ये CCTV टेक्नोलॉजी को। US अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये दोनों कंपनी को ऑलरेडी बैन कर दिया। मगर बहुत ही हैरान होंगे, प्रेजेंटली ये जो दो कंपनी है ये इंडिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है, दोनों कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। तो अगर देखा जाए ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आगे जाके थ्रेट बन सकता है, क्योंकि चाइनीज़ के साथ हम लोग का जो रिलेशन है ये सबको पता है। तो इसी को सोचते हुए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये जो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी है अगर आप ये चाइना से इंपोर्ट करते हो तो आप एक लिमिट तक इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह में आप ये चाइनीज सीसीटीवी यूज़ करोगे। तो आप बोलोगे ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का प्रेजेंटली जो काम है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि ये जो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में ही कम्प्लीटली अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया में यूज़ हो। अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है तब हो सकता है कि इंडिया अपने तरफ से ये एक्सपोर्ट भी करे। तो देखा जाए तो ये चाइनीज सीसीटीवी पे जो लिमिट डाला है इसमें बहुत सारा रीजन है। पहला जो रीज़न है वो है आपका रिसेंट हम लोग जो देखे हिजबुल्ला के साथ हुआ। अगर आप ये चैनल में पुराने हैं तो आपने ऑब्वियसली ये वीडियो देखा है, ऑन द अदर साइड अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। एक साथ हिजबुल्ला का 3000 जो पेजर था वो फटा, जिसके वजह से हिजबुल्ला के जो टॉप कमांडिंग लीडर्स थे उन लोगों का बहुत सारे का डेथ भी हो गया, बहुत सारा एकदम भयानक इंजोर है, ऐसा इंजोर है कि हो सकता है कि वो लोग जिंदगी भर उन लोगों को किसी का सपोर्ट लेना पड़े अपना लाइफ को बचा के रखने के लिए। तो ये जो अटेम्प्ट था ये इसराइल के द्वारा किया गया था, और आगे जाके हिजबुल्ला को एक लेवल पे पूरा एकदम इसराइल ने अपने तरफ से दिखा दिया कि भाई हम लोग कैसे अटैक कर सकते हैं। तो नो डाउट अगर हम लोग दुनिया का जो वॉर हुआ है अभी तक उसमें इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया था, इसराइल फर्स्ट टाइम जो इस तरह का स्टेप लिया, और आगे जाके इसको हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा। अगर आपको इस बारे में जानना है चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो नो डाउट ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डेवलप किया या फिर ये टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके आगे जाके यूज़ जो किया है वो है इसराइल। इसराइल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा पता है, अगर आपको इस बारे में जानना है जैसे मैंने आपको कहा वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाके। बैक टू आवर टॉपिक, अगर हम लोग देखें ये जो सीसीटीवी आते हैं मतलब ये जो कैमराज ये जो डिवाइस आते हैं तो नो डाउट ये चाइना से इम्पोर्ट होता है। ऑब्वियसली अगर ये चाइना से इम्पोर्ट होता है, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर में भी ऐसा कुछ डिवाइस डाल सकता है जो आगे जाके ब्लास्ट हो,
इसमें एक चीज है कि भाई चाहे सीसीटीवी फिर भी मतलब ऐसा जगह में रहता है जो हम लोग का मोबाइल के जैसे हाथ में हम लोग कैरी नहीं करते, या फिर पेजर के जैसे हाथ में नहीं कैरी करते, मगर हो सकता है कि वो डिवाइस और भी पावरफुल हो, जिसमें आगे जाकर अगर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इंडिया का रिलेशन खराब हो तो चाइनीज गवर्नमेंट भी सेम टेक्निक यूज करे। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो सोच है वो इंडियन गवर्नमेंट को आगे ले जाता है। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी आगे जाके हिजबुल्ला की तरह ऐसे अटैक झेलने के लिए राजी नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये जो सीसीटीवी है मतलब चाइनीज सीसीटीवी है इसका जो यूसेज है इसमें लिमिट डाल दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेक इन इंडिया। अगर आप मेक इन इंडिया का बात अभी करते हैं तो बहुत कोई बोलता है भैया वो तो कब सुने थे, मगर अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो ठीक पता नहीं। मेक इन इंडिया अगर आप देखें, मेक इन इंडिया के अंदर ही एग्जैक्टली इंडिया में भी अभी आईफोन बन रहा है, इंडिया में भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिवाइसेस है वो बन रहा है। तो गवर्नमेंट हर टाइम चाहता है कि भाई इंडिया में अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसमें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो भी डिजॉल्व होगा, साथ ही साथ इंडिया का अगर इंडिया में हाई लेवल पे अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करे तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो कटिंग है वो भी हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया आगे जाके एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यही जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर गवर्नमेंट अभी चाह रहा है कि भाई सीसीटीवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको लाए, और ये सारा जो डिवाइसेस है जो सीसीटीवी में लगता है, इवन ये सीसीटीवी बनाने में जो डिवाइसेस लगता है या फिर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारा कंपोनेंट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसके वजह से इंडिया में जॉब का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर कोई डिवाइस बनता है एटलीस्ट हम लोग सिक्योर रहेंगे कि भाई कल जाके हिजबुल्ला को जो झेलना पड़ा जैसे कि पेजर ब्लास्ट हुआ, ऐसे हम लोग का जो सीसीटीवी है वो ब्लास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेटा। अगर आप घर में या फिर ऑफिस में या कहीं भी अगर आप पब्लिक प्लेस में अगर आप सीसीटीवी जो कैमरा यूज़ कर रहे हो चाइनीज मेकर से बना हुआ है, हम लोग को पता है कि चाइना अपने तरफ से ये सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग उनसे इम्पोर्ट करते हैं, फिर जो लोकल बाज़ार में हम लोग इसको खरीदते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं, वो भी इंटरनेट के साथ। अगर आप कहीं भी देखें सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसमें इंटरनेट ऑब्वियसली कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से हम लोग डिफरेंट लोकेशन से अपना जो एरिया है मतलब जहां हम लोग सीसीटीवी इंस्टॉल किए उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। तो इसका क्या भरोसा है कि वही डेटा अगर हम लोग के पास आ रहा है वही डेटा चाइना में नहीं जा रहा है, जो सीसीटीवी जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है मतलब वो जो डिवाइस है वो जो कैमरा है जो मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके पास ये डेटा नहीं जा रहा है। आज के डेट में अगर ये डेटा चाइना के पास जा रहा है तो आगे जाके चाइना जो है ये डेटा को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है सीसीटीवी हम वही जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ हम लोग को इसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, मेनली जहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है कम्प्लीटली सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, या फिर अगर आप देखें जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम लोग हर जगह प्रेजेंटली ये सीसीटीवी यूज़ करते हैं। ऑन द अदर साइड ये सारा डेटा जो है चाइना के पास जा सकता है, चाइना का ये कंपनी है कल जाके क्या पता कहा चाइनीज गवर्नमेंट इन लोगों को बोले कि भाई आप लोगों के पास जो आप लोग सीसीटीवी अभी तक बेचो इंडिया में सबका एक्सेस हम लोग को चाहिए, और ये जो कंपनी है चाइनीज कंपनी है, हो सकता है कि ये लोग अपने तरफ से ये जो डेटा है ये ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट को शेयर कर दें, क्योंकि उन लोगों का गवर्नमेंट के अनुसार उन लोगों को चलना पड़ता है। ऑन द अदर साइड हम सबको पता है कि इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है, और चाइना अगर चाहे यही डेटा को वो इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया के लिए, यही सोच के गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया है। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बोला कि दो कंपनी है जैसे कि हिकविजन और दोहा, ये लोग आज के डेट में इंडिया में सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी है इन सीसीटीवी। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस में ये लोग बहुत सालों से बैंड है और इंडिया में लोग अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर घर में सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं एक बार देख लीजिए वो कौन सा ब्रांड है। ऑन द अदर साइड आप बोल ही सकते हैं कि भैया इतना पैसा खर्चा करने के बाद हम लोग ऑफिस में या फिर घर में ये सीसीटीवी इंस्टॉल किए कैसे हम लोग इसको चेंज करें, कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट आपका सिक्योरिटी को सोचते हुए ये स्टेप लिया है, तो आगे जाके अगर आप कहीं भी सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं एक बार सोच लीजिए कि आपको एग्जैक्टली कौन सा डिवाइस इंस्टॉल करना है या फिर कौन सा डिवाइस इंस्टॉल करना नहीं है। अगर आप कुछ डिवाइस इंस्टॉल करें तो एक बार देखिए उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से वो इंपोर्ट हुआ है, ये सारा डिटेल्स चेक करने के बाद ही ये कीजिए। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि भैया सीसीटीवी में क्या रखा है, ऑन द अदर साइड आप जो फ़ोन यूज़ करते हो वो भी तो चाइनीज़ है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया में बहुत सारा ब्रांड्स चाइनीज़ ब्रांड बहुत ही सस्ता प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स वाला स्मार्टफोन हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके इंडिया में, जैसे कि सीसीटीवी के लिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया है, मुझे भी लगता है कि आगे जाके गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ये जो चाइनीज़ फ़ोन है जो इस तरह से इंडियन मार्केट में इतना फैला हुआ है, कल जाके क्या पता वही सेम डिवाइस जो पेजर में यूज़ हो रहा था चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने तरफ से वही सेम डिवाइस फ़ोन में भी डाल दे और हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपना खुन्नस निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नो डाउट गवर्नमेंट हो सकता है इसको लेके भी आगे जाकर स्टेप ले। गवर्नमेंट ने एक काम बहुत अच्छा किया कि भाई ये जो यूसेज है इसमें लिमिट डाला है, इसमें ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया जो कि यूएस ने किया था, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बैन कर देता तो हो सकता है कि कल जाके चाइनीज़ जो है
इंडियन भी बहुत सारा प्रोडक्ट अपनी तरफ से बैन कर देता है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग जो है लिमिट जो यूसेज है वो लिमिट कर देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ सकते हो कि भैया ये सब तो हम लोग समझ गए, आप एक बात बताइए कौन सा सीसीटीवी हम लोग यूज़ करें। देखिए बहुत सारा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ यूरोपियन ब्रांड है। ऑन द अदर साइड अगर आप कुछ दिन बाद इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारा ब्रांड और भी आगे जाकर डेवलप्ड हो, बिकॉज चाइनीज़ में जैसे चाइनीज़ यूसेज में लिमिट लगा दिया गया है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अभी चाहेगा कि इस सेक्टर में और कोई भी आए और अपना जो ब्रांड है वो इंडिया में डेवलप करे, इंडिया में प्रोडक्शन करे। तो अगर आपको कुछ दिन बाद लगाना है आप वेट कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। अगर आपको अभी भी लगाना है तो आप देख लीजिए इंडियन ब्रांड कौन सा है। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो यूरोपियन ब्रांड भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है उसमें कॉस्टिंग जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, इसके वजह से हर कोई चाइनीज़ ब्रांड की तरफ दौड़ता है। तो जो भी है नो डाउट यूरोपियन जो ब्रांड है उन लोगों का जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली चाइनीज़ ब्रांड से अच्छा होगा। डिसीजन कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको कौन सा सीसीटीवी लगाना है या फिर कौन सा सीसीटीवी यूज़ करना है। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा और ये वीडियो हेल्प करेगा आपको कि आगे जाके आपको कौन सा सीसीटीवी लगाना है घर में या फिर यूज़ करना है। तो नो डाउट ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे भी यूट्यूब चैनल में है आप लोगों के लिए ही, आप जब चाहे आप ये जाके देख सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अतनु पॉल ATANU SPACE POL। जो वीडियो वहाँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो सबके पास पहुँचते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।